पुलिस ने हमें बाहर निकाल दिया जी गाड़ी से। पाकिस्तान? या पाकिस्तान। रियली? यस। ओह यू लाइक पाकिस्तान? यस। ड्राइवर गाड़ी लेके चला गया और सारा सामान हमारा उसके अंदर है। तो पीछे एक वो मोटी सी आंटी बैठी हुई, वो मजाक उड़ाने लगी, कहती वो यंग लड़की है उसके साथ तुम्हारा फेयर अच्छा नहीं है, वो इस तरह कहने लगी। अब ये आंटी जिसने जब भी डाली लड़की को, देखे भाई ये बार क्लब की लड़कियां जा रही है। अफ्रीका बेबी और यहाँ से हम जाने लगे अभी जिंका की। जिंका वो इलाका है जहाँ पे 16 ट्राइब रहते हैं, वो वाले ट्राइब जो जंगलों में रहते हैं, हंटिंग करते हैं, उस तरह के ट्राइब हैं सारे। क्योंकि यहाँ पे और कुछ खास चीज है नहीं, क्रोकोडाइल मार्केट थी और वो डोजे विलेज था जो कि आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। अभी सीन में आपको बताता हूँ, ये देखें, ये नीचे बार क्लब था भाई, सारी रात इन्होंने गाने चलाए, कोई नींद नहीं आई यकीन करो। इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा अगर कोई बात पूछनी हो या ताज़ा अपडेट होती ट्रैवल की, तो वो वहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि वीडियो एडिट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और तीसरी बात है कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगूंगा यार, एक खतून है क्वेटा की, उनके चैनल की लिंक मैंने दे रखी है, बेचारी ना उनकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, तो ये उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो एडसिन से उनकी कोई पेमेंट आ जाएगी। मैं भी ये फीस अभी ला ही कर रहा हूँ। अभी नीचे काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ से अपने जो है ना अपना पासपोर्ट लेते हैं भाई। यहाँ पे रूम में ना तकरीबन 800 बीर का मिला है और 800 बीर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको PQR में रेट मिल जाएगा ब्लैक मार्केट का, लेकिन अगर ओपन मार्केट में देखें तो 5 से मल्टीप्लाई करें। ये देखें ये सारे टूर गाइड हैं जी, ये बंदा सुबह से हमारा वेट कर रहा है, जैसे ही हम आए ये सामने बैठा हुआ था, कहता है $50 लूंगा सिर्फ साथ जाऊंगा, बाकी सारा कुछ आप पे करना, यानी 15,000 पाकिस्तानी रुपए। अभी सोचते हैं यार इस बार नाश्ता करने के लिए हम जा रहे हैं, रात को यहीं से मेरा मोबाइल छीना था लेकिन मैंने पकड़ लिया था उस बंदे को, उसने जेब से निकाला और मेरा हाथ पड़ गया भाई, इसलिए बचत हो गई। ये फेस के ऊपर जो है ना सन ब्लॉक लगाया हुआ है और कोई क्रीम श्रीम चिट्टे होने वाली कोई नहीं थी, ना ही सानू लोड़े चिट्टे होने दी। इस तरह के छोटे छोटे लड़के थे भाई, इन पे कभी तरस खा के इनको अपने करीब मत आने देना, अगर करीब आप क्या भी तो वो इनको जेब तक ना रसाई देना कभी भी, जहरी बात है आप क्यों ही देंगे, लेकिन भाई ना आप बहुत बड़ा नुकसान करवा सकते हैं अगर आप इन पे इस तरह इनको खुला छोड़ देंगे। तो अभी नाश्ता करने जा रहे हैं सामने, ब्रेकफास्ट यहाँ पे भी एक ब्रेकफास्ट के लिए उन्होंने बोला है, होटल रेस्टोरेंट है यार, चलो यहाँ से देखते हैं, अगर ठीक मिल गया और हलाल मिल गया तो खा लेंगे। वीडियो में आप कमेंट आ रहे थे कि हलाल फूड के चक्करों में कोई चीज़ ना गवा देना, भाई अब हम आराम तो नहीं खा सकते ना, चीज़ें जाती हैं तो जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सी व्हाट दे आर ऑफरिंग, या देयर इज आल्सो इज अ ब्रेड इन वेजिटेबल मिनाल नॉर्मल नॉर्मल बस गा। आर यू मुस्लिम? हां यू मुस्लिम? या मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आर फ्रॉम मुस्लिम। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान? या या। ओके लुक लाइक पाकिस्तान। टेल मी इज दिस फूड आर हलाल? इट्स ओके फॉर अस? या इट्स ओके। हां इट्स टोटली हलाल। या ओनली मीट इज हलाल और नॉट हलाल? मा वक्सारी मीट इज नॉट हलाल दा मच बट शरीद दे या अदर सर दे आर ओके। मीट आर ओके? नो नो नॉट मीट या अदर द अदर वन। या द अदर वन इज नॉट ओके। यहां पे ना टूर गाइड एक काम करते हैं, आप फर्ज करो आपने बोला ना कि हमसे थोड़े बार्गेनिंग आप उनसे कर रहे हो कम पैसों में ले जाने के लिए, वो मान जाएगा लेकिन वो आपको दाव फिर भी लगा लेगा, पता है क्या करेगा, जहाँ पे एंट्रेंस फीस है 100 रुपये ना वहाँ पे वो 1,000 रुपये आपसे दिलवाएगा और बाद में उनसे वापस ले लेगा कुछ, यानी कि उनसे 500 लेदा ले लेगा। जी नाज़रीन ब्रेकफास्ट के लिए हम एक रेस्टोरेंट पे आ गए, ये देखें जी अभी खाना सर्व करने लगे हैं, यहाँ पे वेजिटेबल राइस मंगवाए थे हमने, उसके साथ ये एग वगैरह और ये इनका ब्रेड है। 490 द राइस विद वेजिटेबल नॉर्मल एग का ऑमलेट, ये हमारा आज का नाश्ता था जिसमें ये चाय थी और ऑमलेट वगैरह दो राइस थे, बैंक वाले रेट से 5,000 और दूसरे रेट से 3,000। ये फ्रूट वगैरह की मार्केट है भाई यहाँ पे देखें जरा, फाइनली जी हम आ गए। और यू वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाउ आई वांट टू टेक अ बस फॉर जिंका। वेयर इज द बस? हियर दिस साइड। ये बस टर्मिनल है जी, यहाँ का बस स्टेशन है। एवरी विलेज दे हैव अ गाइड, व्हाई यू टेक फ्रॉम हियर? ओके आई विल टेक फ्रॉम दैट साइड। या आल्सो स्मॉल पर्सन हु इज 150 बर। ओ या दे स्टार्ट स्पीकिंग विद टूरिस्ट इंग्लिश। जिंका जिंका This one. Jinka? Yeah. Jinka.
यार अभी बैग हमने फाइनली रख दिए हैं। यहाँ पे बैग रखने का 150 अलहदा लेते हैं और तकरीबन किराया जो 750 बिर मांग रहे हैं। फाइनली सीट पे आके बैठ गए। ठीक, ये लोकल बस है कोलंबिया की, इसमें बैठे हुए हम लोग। आज यहाँ से हम जिंका जा रहे हैं, 250-250 किलोमीटर का सफर। लोकल बस है बिल्कुल, कोई एसी कुछ भी नहीं, यहाँ तक इसकी विंडो भी नहीं खुलती भाई। कोई नहीं, अब गुजारा तो करना ही, अब जाना तो है, क्या कर सकते हैं। सही रश डाला हुआ है, यहाँ पे मुझे सीट मिली है और ये ट्रेवल एजेंट भी अंदर घुस गए यार बीच में। How much it will take to reach Jinka? 28 तकरीबन 3-4 घंटे भी लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचने में। जी भी 3-4 घंटे बता रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता 3-4 घंटे लगे, 5-7 घंटे लगेंगे भाई तकरीबन। ये सारे लोग हंस रहे थे कि कैमरे लोग कैमरा फ्रेंडली है भाई, इसमें वो नहीं करते प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कैमरे में ना, लेकिन फिर भी मोहतात रहना चाहिए आपको इस तरह। यहाँ पे बीबियाँ हाथ भी उठा लेती हैं, अगर आप उनकी तरफ कैमरा करें ना तो आगे से ऐसे हाथ मारती हैं। अभी गर्मी यहाँ पे काफी है यार, जिंका वाली साइड भी गर्म है। ये देखिए ट्रैवल एजेंट ने रोला डाला हुआ है यार। ये देखिए बंदा आ गया पैसे लेने के लिए, मुक्के मार रहा था तो पैसे नहीं दिए। तो यार जी भी लोग हैं, अल्लाह ही माफ करे इनसे भाई। अभी यहाँ पे बड़ा माहौल बन गया भाई, बीबी मुझे कह रही थी। अभी यहाँ पे आगे जो बीबी बैठी है ना, वो मुझे बार बार बोल रही थी तुम पीछे शिफ्ट हो जाओ, पीछे शिफ्ट हो जाओ। आगे से मैंने उसको बोल दिया कि आ जाओ तुम मेरे टांग के ऊपर बैठ जाओ, तो वो तैयार हो गई। हंस रही है यार, काफी देर हो गई अभी तक हम गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी यहाँ से चली नहीं यार। अभी गाड़ी थोड़ी सी यहाँ से निकली है, 2 घंटे हो गए हम गाड़ी में बैठे हुए थे। यहाँ पे कोई खास टाइम नहीं है भाई, जब तक सीटें बुक ना हो ये लोग नहीं चलते यहाँ। और गर्मी भी ठीक ठाक है, और शोर ये लोग इतना करते हैं ना भाई, उसका कोई हिसाब नहीं भाई, बस शोर ही शोर और कुछ नहीं। अभी भी पता नहीं, मुझे पीछे लड़ रही की वीडियो क्या बना रहे हो। हाय एडी भी तो सोनी को नहीं, बीबी है तो तू मेरा है। सॉरी 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 सॉरी। अभी बस के अंदर बैठ के मैंने वीडियो एडिट पे भी लगाई हुई है। यहाँ पे सारा पहाड़ी इलाका है जी, हम जा रहे हैं, सारा डाउन जा रही गाड़ी है भाई। ये पीछे एक नहीं जिसका नाम है अबाया लेक, ये जब हम अरबा सिटी में इंटर हुए थे वहाँ से भी नजर आ रही थी, फिर हम दोसे विलेज की तरफ गए वहाँ पे भी, और अभी जिंका टिकट निकल रही है यहाँ पे भी। इतनी बड़ी लेक है ये थोपिया की, बहुत बड़ी लेक है भाई। यहाँ पे ना गाड़ी को 3री-4थी दफा इन्होंने यहाँ पे रोका, बार बार गाड़ी को रोकते हैं टॉयलेट करने के लिए। पता नहीं बिचारों को शुगर है और क्या मसला है, और ये नहीं कि एक आध बंदा उतर जाए, पूरी पूरी गाड़ी खाली हो जाती है। देखें, और ये देखें लोग साइडों पे निकले हुए भाई, अल्लाह ही वारिस है जी। अभी सारा कच्चा इलाका आ गया, ये ना गाँव वाला इलाका है सारा, गाँव है इधर, और जंप भी काफी लग रहे हैं, लेकिन इन जंपों के बावजूद मैंने वीडियो एडिट कर ली है। ये देखें जैसे वो अफ्रीकन गाँव नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह ही है। यहाँ पे लोग फिर रहे हैं, यहाँ पे कोई कार कोई कुछ नजर नहीं आ रही, बस या तो एक आध मोटरसाइकिल है या इस तरह की बसें हैं, ठीक है। और सब कच्चा रोड है भाई, कच्ची सड़क है, तकरीबन 1 घंटे से इसी सड़क पे गाड़ी जा रही है। यहाँ पे लोग सब्जियां वगैरह बेच रहे हैं, ये तो छोटी छोटी कच्ची कच्ची दुकानें बनी हुई हैं भाई। 1.5 से 2 घंटा होने वाला है और इसी कच्चे रोड पे हम जा रहे हैं। ये देखो जंपिंग, बहुत हालात खराब है भाई। यहाँ पे रोड है ही नहीं, फिर रोड किसको बोलूं, कच्चा रास्ता है, उसी पे गाड़ी जा रही है। भाई वो कह रहे हैं कि 20 मिनट है, उसके बाद हमने यहाँ से निकलना है। अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रखी है, और कौन सो नाम का ये इलाका है भाई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे ना मैंने बहुत ज्यादा गाड़ियाँ देखी, जो यूनाइटेड नेशन का नहीं होता स्टाफ, वो आया हुआ था भाई गाड़ियों में। अभी यहाँ पे भी एक गाड़ी जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चूंकि ट्राइबल एरिया है और गुर्बत यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो UNA की गाड़ियाँ, इमदादी गाड़ियाँ, ये वो इस तरह की यहाँ पे अक्सर आपको टीमें नजर आएंगी, और टूरिस्ट भी यहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन वल्ला आलम क्या वजह है कि इन दिनों यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है। और एरिया वही अफ्रीका वाला कच्चा, ये कोई खास इसमें आयो पाकिस्तान नॉट इंडिया। जब नए नए आए थे ना, तब इन लोगों से अजीब सा फील होता था, कहीं कोई ये लड़ाई ने शुरू कर दे, वीडियो बना रहे हैं वो। अब डर डर नहीं रहा, हूं तो मसला कोई नहीं, लम्या पा देंगे यार, लड़ाई कोई नहीं, जड़ा लावे खंगे से ही। मजाक कर रहा हूँ आप लोगों से, ऐसी हमारी कोई सोच नहीं है भाई। ये बच्चा पत्ते और इस चीजें काट के यहाँ पे ले आया। हेलो बेबी, मामा पोतो, हेलो सलाम दो भाई, सलाम दो भाई, सलाम। ये देखें जी बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं छोटे छोटे। Where are you going? I'm going to the wave Jinka. Jinka? Yeah. Okay, you tourist? Yeah, of course I'm tourist. You country? I'm from Pakistan. You Pakistan? Know Pakistan? Pakistan? Yeah. Good Pakistan. Really? Yes. Oh, you like Pakistan? Yes. Okay, that's good. Okay.
हमने भी यहाँ आके पाकिस्तान का नाम मशहूर कर ही दिया यार आखिर, वरना पाकिस्तानी ब्लॉगर तो आते ही नहीं भाई। यार ये देखे इनकी फ्रिज है भाई, में यही बस बोतलें हैं। Do you have biscuits? 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 Yeah. No biscuit? Yes. Menu. This is only for drink, but I want to also buy something for eat, if they have. My blood fell. You eat? Yeah, I want to eat something if they have. Biscuit? I like yelling. Biscuit? No, yell. Here is another shop. Okay, maybe I will go there. Okay, thank you. Thank you so much. Say biscuits. Yes, say biscuit. Okay. उसने कहा बिस्कुट कहना है, बिस्कुट मिल जाएंगे। बिस्कुट बिस्कुट लै भी उठ खड़ोती, उन्हें ना नहीं की थी। और गुजारा कराने से ठीक है। जूस दिस अनदर वन। तीन बोतलें हमने ली हैं और ये उसके साथ ये लोकल ही ब्रांड है कोई यार, तो ये बीबी ने हमें देख के ना रेट बढ़ा लिया। अब क्या कर सकते हैं। ये देखो भाई इसने ये क्या बनाया हुआ है। लापुर से आप नो आई डोंट नो सो मच तकरीबन हमें पड़ गए 500 रुपए के 1500 लगा। हेलो नो आई डोंट वांट टू बाय। ये देखो जी नो फ्रेंड नो 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 आई डोंट नीड। या जूस कैसा है? आदू जूस। ओ वो बोल रही थी कि यहाँ पे भी जूस था, आपने वहां से क्यों लिया, लेकिन चलो अब खैर है। पेटेड मैन नो प्रॉब्लम इट्स बिस्कुट। व्हाट डिड यू से? हां यू से आई एम कम फ्रॉम इजराइल। नो आई एम कम फ्रॉम पाकिस्तान। देयर इज नो एनी इजराइल ऑन द लैंड, ओनली फलस्तीन। फलस्तीन फिलिस्तीन या नो इजराइल ऑन द अर्थ। ओके सो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यू नो पाकिस्तान? You don't know Pakistan? You know India, Hind? Hind, yeah. Pakistan is nearby India. यार यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। आ चढ़ा दे उत्ते गड्डी। आ जा तू चढ़ा दे। ड्राइवर कमला हुआ खड़ा था भाई, ऊपर चढ़ाने वाला था अभी। ड्राइवर गाड़ी लेके चला गया, सारा सामान हमारा उसके अंदर है। फाइनली जी गाड़ी आ गई, अब हम गाड़ी में बैठने वाले हैं, खुल के बैठ रहे हैं। एक पटा लगा के दरवाजे कसा हुआ है। लोगों ने फिर यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है यार, इतना ज्यादा ये पूरी पूरी गाड़ी खाली कर देते हैं यार ये, जब जाते हैं सुसु वगैरह के लिए। रोला डाल लेते भाई पीछे के, रोको गाड़ी। लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकली हुई है आउटसाइड ना। वो सामने आप जो लैंड देख रहे हैं ना भाई, वो नासा ने एग्रीकल्चर फार्म बनाया वहाँ पे। ये देखें जी ये बच्चे कुछ बेचने आ गए, जब गाँव में रुके है ना, ये उनके हाथ में कुछ है। ये देखे बोल रहा 800 का है ये, पता नहीं चीज के। पता नहीं ये क्या चीज है भाई। इस भाई ने औरतों वाले कपड़े पहन रखे हैं, ये ऐसे लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ। देखो ऐ बिना वजह। कम ऑन बेबी, कम ऑन कम ऑन, रिलैक्स रिलैक्स मैन, डोंट फाइट, रिलैक्स रिलैक्स। बेबी हमें तपी खड़ोती बिचारी। ना लड़ाकार है ना लड़ाकार है, एक तो आगे सवाणी जगह पा के आ गए हैं, एक तो वैसे सवाणी वाली कमीज पाई हुई है, ना लड़ाकार। I think she's better for me. She has a husband. No problem. She's love or she likes? She? Yes. She's love. Yeah. अभी बताता हूँ सीन क्या हुआ यहाँ पे। भाई यहाँ पे चेक पोस्ट है, पुलिस ने हमें बाहर निकाल दिया जी गाड़ी से। बैग हमारा चेक कर लिया,
ये देखे जी गांव के लोग हैं जी, ये सारे गांव वाले ट्राइब हैं भाई, चेक करें। हेलो आर यू, ये देखे सारे गांव वाले हैं भाई। हेलो मैन, गुड। अभी यहाँ पे पूरी गाड़ी का जो सामान पुलिस वाले जाके चेक करेंगे, ये बैग मैंने चेक करवा लिया, सारे लोग बाहर निकले, गाड़ी पीछे खड़ी, वो आगे उन्होंने ना रोड के ऊपर रस्सा बांधा हुआ है भाई कि जिनका अभी 2 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे। गाड़ी में सीन ये हुआ कि मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी, उस लड़की ने मुझसे मोबाइल मांगा कि मेरे मोबाइल का रिजल्ट अच्छा नहीं तो मैं आपके स्नैपचैट पे ना कुछ पिक्चरें लूंगी, बाहर मैं अपने मोबाइल में कर लूंगी। तो मैंने कहा ले लो, वो पिक्चरें बना रही थी तो पीछे एक वो मोटी सी आंटी बैठी हुई, वो मजाक उड़ाने लगी, कहती वो यंग लड़की है उसके साथ तुम्हारा फेयर अच्छा नहीं है, वो इस तरह कहने लग गई कि वो शी इज टू यंग और समथिंग लाइक दैट। तो सारी बस हंसने लग गई, मजाक वो कर रही थी ना, तो मैं बड़ा यार शर्मिंदा हुआ उनके सामने, कुछ भी नहीं पिक्चरें बना रहे थे मोबाइल पे ना। तो फिर मैंने उसको जल्दी से बोला, मैंने कहा चलो ठीक है वो तो यंग है, वो ठीक नहीं है मेरे लिए, तुम्हारा क्या इरादा है। बस फिर उसकी बोलती बंद हो गई। फिर भी सारी बस हंसने लग गई, फिर कहती नहीं मेरा तो हस्बैंड है, मैंने कहा फिर भी चल जाएगा कोई मसला नहीं, मजाक कर रहे इतना भाई। तो इस तरह का मजाक हुआ यार उसके साथ ना, मतलब इससे आप अंदाजा ये लगाएं कि कितने हसमुख लोग हैं यार, इस तरह का माहौल बनाते हैं मजाक करके, कभी फील ही नहीं होता कि हम पाकिस्तान में फिर रहे हैं कि यार ये किसी और कंट्री में है, इतना खुश मिजाजी से पेश आते। अब ये आंटी जिसने जब भी डाली लड़की को, ये वही अब उसको उससे मेरे बारे में पूछ रही है आंटी, बड़ी चलाक है ये। तो बाकी काफी खुशी और मजाक और इस तरह के साथ हमारा सफर हुआ है। अभी पुलिस वाले देख रहे हैं, ये ना मुझे बुला लें क्या हो भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, लेकिन अल्लाह खैर करेगा ऐसा मसला नहीं होगा। ये सारे लोग भाई सड़क के किनारे खड़े हैं। What she say? Okay. ये बीबी मेरा मजाक बनाने के लिए मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रही उस लड़की के साथ। या आई नो दैट। वो कह रही है आप पिक्चरें लो। यार ये इनका सेब है, आप जरा चेक करें, आधा लाल और आधा सब्ज। ये वो लड़की जाते हुए मुझे देख गई है। अभी ये ट्राइब वाले भाई आके बैठे हमारी गाड़ी में, तो मैंने देखा पता नहीं नीचे कुछ पहना हुआ है कि नहीं, वो दूसरा भाई उसने तो नहीं पहना हुआ, पर वीडियो नहीं बनाने दे रही है। ये जो लोकल ट्राइब है उनकी, ये उनका कबीला है भाई, गाड़ी में सफर करते हैं ये लोग। ओपन द डोर एंड टेक अस टू अनदर वन। यार अब हम गाड़ी से ब्रदर दीज आर होटल आर फुल। दीज आर फुल। आई डोंट आई कैन नाइट क्लब। नाइट क्लब? या नॉट होटल। No, no, dancing for night club. This is a dance club, brother. No, yeah. यार देखो यार कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। ये बस वाला ड्राइवर है हमारा, अपनी गाड़ी उसने रोड पे खड़ी कर दी है और हमारे साथ जा रहा है होटल का चेक करने। लेकिन डांस क्लब है यार, अभी पता नहीं इसमें कमरे होंगे कि नहीं। यस यस। चलो खैर डांस क्लब भी। ओके ओके लेट्स टॉक विद देम। अभी क्लब के अंदर हम जा रहे हैं भाई रहने के लिए। देखे भाई ये बाहर क्लब की लड़कियाँ जा रही हैं। जिंका सिटी उसमें पहुंचे, यहाँ पे सारे ट्राइब हैं और अपना सामान हमने क्लब के अंदर रख दिया, ठीक है। और फिलहाल उनको बोला कि ये आरजी सामान रखा हुआ है, हम जाते हैं अगर पता करते हैं कहीं पे कोई और होटल हमें मिलता है तो फिर तो सामान उठा लेंगे, चाहे वो जितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर कौड़ा घुट भर लवेंगे जी। खैर उन की कर सकने, लेकिन अल्लाह करे कि हमें मिल जाए। मैं कोरिया पेनिस हूँ सेकेंडरी हाई स्कूल। ओके हाउ मच? 100। इट्स नियर जस्ट 1 किलोमीटर। Listen, after Macquarie Peninsula, I will come go to the NASA Hotel. 100, 100, 200. Yeah. Hi. Okay, thank you, no problem. एक हमारी किस्मत अच्छी थी कि एक होटल वाले ने बात मान ली, वो कहता कि पता नहीं आपके स्टैंडर्ड का हो या ना हो, लेकिन मेरे पास एक रूम पड़ा मैं आपको दे सकता हूँ सोने के लिए। अल्लाह करे वो जैसा भी है ना भाई हम सो जाएंगे, क्लब से क्लब में सोने से अच्छा कि हम वहाँ पर सोएं। तो अभी जा रहे हैं उसी की तरफ ही, इंशाल्लाह इधर स्टेट ही है साथ में। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है क्लब में सोने को यार, कोई एडवेंचर नहीं क्लब वाला, ये बेवकूफ़ी है क्लब में सोना। भाई गुड न्यूज़ ये है कि हमें होटल पसंद आ गया जी, और वो है भी सही लोकेशन पे। अभी जा रहे हैं अपना सामान उठाने और साथ वाले लड़के को लेने है? और इसी पे रहते हैं भाई, क्लब से हमारी जान छूटी। अफ्रीका बेबी। ये क्लब है, जब क्लब से हमने सामान अपना उठा लिया, ठीक है। ये देखिए अंदर डांस हो रहा है।
सलाम 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 सलाम। ये जी हमने बिस्किट ले लिया है, अभी शॉप पे खड़े हैं। पानी की बोतल एक ले लूंगा। How much? ये जी हमने जूस लिया, बोतल लिया, उसके साथ ये छोटी ली है। ये देखो अभी भी यहाँ पे कीपैड मोबाइल ये यूज कर। तो ना मैथ वाला पीरियड छड़िया ना ताजे दे नहीं आ दे। इस बंदे ने पक्का मैथ की क्लासें मिस की होंगी जो आज दिन ये आ रहे हैं। आई लव यू लव यू लव यू ऑल। हाउ यू भाई? हंस पा के ना लो, मैंने उनको बोला तो वो खुश हो गए। मैंने शुक्रिया बोला ना उनकी जबान में तो वो बड़े खुश हो गए। गो 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 वो करिया नहीं गो गो। हेलो जिंका है भाईजान, ये सारे इर्द गिर्द जंगलों में ट्राइब रहते हैं यहाँ पे। कल इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ओके मैन थैंक यू बट डोंट बी लाई। ओके इसने रोड़ा कर दिया यार, कहता मैं नहीं ले रहा 200 माने भी थे इसने कि 200 ठीक है। फिर भाईजान मैंने कहा मेरे पास वीडियो में भी दिखाऊंगा, फिर भाग मान गया, कहते चलो ठीक है दे दो। और ये वीडियो जरूर बना ले इनकी भाई, ये मिस्टेक कभी ना कीजिएगा।